हेलो एवरीवन। तो मैंने अभी बीच में पिछले हफ्ते एक वीडियो डाला जोर का, तो बहुत लोगों ने लाइक किया, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं भी देखा होगा। सो मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, वो वीडियो में एक्चुअली मैंने बताया क्या है, और आप कितने लोग ने देख के सोचा होगा यार बहुत लोग तो बनाते हैं वीडियो अजौर का, क्या देखने का उसमें कैसा पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट, राइट। तो मैंने वो वीडियो में क्या क्या पढ़ा है ना, एक्चुअली एक फ्रेंड ने मेरा चार्ल्स करके उसने अच्छा खासा आर्टिकुलेट करके दिया कि भाई मैंने क्या क्या उसमें ऐड किया है, कौन से टॉपिक को पढ़ाया है। सो ये जो सीरीज़ जो है जो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, सेकंड लेक्चर आज अपलोड कर दूंगा, और जो फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया उसमें है क्या एक्चुअली। सो सबसे पहले तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट टू एंड में मेरा मकसद है, जो भी ये सीरीज़ है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कंसिडर करो कि आप ऑन प्रीमिसेस में काम करते हो, आपके पास बहुत सारे सर्वर है और आपको अजर में मूव करना है, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है, राइट, कि स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट कैसे होगा। तो वो स्टार्ट से बताया कि भाई आप समझो कि सिनेरियो लेके कि आप ऑन प्रीमिसेस में और आपको पूरा एक कंपनी को अजर में मूव भी करना है और अजर में इंफ्रा सेटअप करना है स्टार्टिंग में, तो कैसे करेंगे, तो वो पूरा डिटेल उसमें बताया गया है, उसमें पूरा सिनेरियो बेस बताया गया। अब उसमें ऐसा था कि मैं अकेला वीडियो बनाऊंगा ना तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोगों के क्वेश्चन से ना रहते, बोले यार क्वेश्चन आंसर नहीं होते। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने जो मेरे बैच के जो बंदे थे ना उनको ही लेके बनाया है, उनको पढ़ा भी रहा हूँ, वही वीडियो को मैंने अपलोड भी किया, तो इससे क्या होता है कि कुछ आपके सवाल भी क्लियर हो जाएंगे और आगे ये सीरीज कंटिन्यू होते जाएंगे, एक फॉर्मूले पे पूरी सीरीज कंटिन्यू होते जाएंगे। स्टार्ट टू एंड सब्सक्रिप्शन क्रिएट कैसे करना, टेनेंट कैसे बनाना, VM कैसे बनाना, VM बनाने के लिए तो सबको आता है, कोई भी है ना फिर फुकट का सब्सक्रिप्शन लेके VM बना लेता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्ट टू एंड कैसे नेटवर्क सेटअप होना चाहिए, इंफ्रा सेटअप होना चाहिए, वो पूरा बताया गया है। तो चलो रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा।